हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भदोही में खुलकर सामने आई दो विधायकों की जंग, प्रभारी मंत्री के सामने हुई तनातनी, भरी मीटिंग में एक दूसरे पर लगाया हत्या का आरोप। भदोही में दो विधायकों के बीच चल रही सियासी जंग खुलकर सामने आ गई। प्रभारी मंत्री की बंद कमरे में चल रही मीटिंग के दौरान भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और ज्ञानपुर से निषाद पार्टी से विधायक बने विजय मिश्र के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मीटिंग के बाद जहां भदोही से बीजेपी विधायक ने ज्ञानपुर विधायक विजय कुमार मिश्रा पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। कार्यालय पे नहीं, सर्किट हाउस में माननीय हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद जी आए हुए थे और उनके सामने ज्ञानपुर के विधायक जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कई बातों को प्रत्यारोप किया। अधिकारियों से कहा मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मैं भदोही में तुमको मरवा करके, जान से मरवा करके वहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जा रहा हूँ, तो इस पे हमने कहा कि आप चुनाव आयुक्त तो हो नहीं, आप मरवा सकते हो लेकिन आप जो है चुनाव नहीं करा सकते। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा ने भी भदोही के विधायक पर उनके संगीन इल्जाम को उन्हीं के हवाले कर दिया। भदोही विधायक ने कहा है कि आप जान का खतरा है उनसे, आपको उनको खतरा है कि हमको खतरा है? भदोही विधायक जब से बने हैं सरासर झूठ, एकदम फरेब, झूठ फरेब, 420 उनका काम है, वो हमारा नहीं है। एक टेंडर हुआ था आर्थिक त्वरित विकास योजना का 5 करोड़ का, जिसमें भदोही नहीं को चंदौली हुआ था, भारी लूटपाट उसमें की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने विधायक के खिलाफ नहीं, वो जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का 88 था उसके खिलाफ लिखा था। और माननीय विधायक जी जो इनके भाई ब्लॉक प्रमुख लड़ रहे थे कि माता जी लड़ रही तब भी मदद किया, अभी 2016 में इन्होंने पैसा भी ले गए थे, आज तक पैसा नहीं लिया, बीच में तगादा कर दिया गया, दूसरे लेख हमने दे दिया है। तब से माननीय विधायक जी नाराज हैं और बालू में भी इन्होंने टेंडर डाला था, क्योंकि इतनी अधिक बोली हो गई थी 20 लाख इन्होंने जब्त भी करा लिया, रोज फ्री की बालू भी लाते हैं। तब से इतना नाराज है कि कहाँ से इनको मरवा दूं, जितने हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, चाहे पूर्व मंत्री औराई के हों, चाहे हंडिया के हो, चाहे उसमें जितने विरोधी, उन सब के यहाँ जाकर जान से मारने की हत्या का प्रयास 6 महीने से कर रहे हैं, जब से हमने दरखास्त लिखा है। और बार बार भी रही थी तब भी रोज हमारे जो काम करते हैं एम्प्लाई से कि विजय मिश्रा आ जाएं, क्या हमारी हत्या की साजिश के लिए अपने यहाँ बुलवा रहे थे? और वहाँ जब प्रभारी मंत्री थे, एसपी और डीएम थे, अगर उनको मारने जान से कहीं शब्द हो तो मुझे फांसी दे दी जाए या तो उनके ऊपर मुकदमा लेके कार्रवाई की जाए। बहरहाल भदोही में दोनों विधायकों की जंग आम हो चुकी है। अब इस लड़ाई के सामने आने से यहाँ का राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।